हेलो फ्रेंड्स, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग डेसी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे बापड़ो लगाओ। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले गांवों की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए दोस्तों, बापड़ो लगाओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। बापड़ो लगाओ दिल्ली हरियाणा सीमा के पास बसा हुआ है और दिल्ली में सोलंकी गोत्र के 12 गांवों में से एक है। जाट बहुल गांव दक्षिण पश्चिमी दिल्ली जिले में बसा हुआ है। बापड़ो लगाओ डबल ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के घर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बापड़ोला को भाजपा के जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी के घर के रूप में भी जाना जाता है, जिनके पिता स्वर्गीय चौधरी कप्तान सिंह गांव के आखिरी पंचायत के सरपंच थे। गांव में ज़्यादातर हरियाणवी भाषा बोली जाती है। आइए दोस्तों, देख लेते हैं बापड़ोला गांव के कुछ दृश्य। लगाओ दोस्तों पहलवान सुशील कुमार के नाम से भी जाना जाता है। पहलवान सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता था। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप बापड़ोला गांव। तो दोस्तों, चलते हैं बापड़ा गांव के झोड़ की तरफ, यानी के तालाब की तरफ।
ये आ चुका है दोस्तों बापडोला गांव का तालाब, इसे हरियाणा में झोड़ भी कहा जाता है। दोस्तों तालाब के चारों तरफ पक्की दीवार की गई है और ये देखिए दोस्तों तालाब के चारों तरफ ये रास्ता बनाया हुआ है और तालाब को पक्का किया हुआ है। लेकिन दोस्तों तालाब का पानी स्वच्छ नहीं है, जो कि ज़्यादातर क्या सभी गांवों में लगभग पानी तालाबों का ख़राब हो चुका है। और दोस्तों तालाब के बगल में ही है मंदिर है। दोस्तों देखते रहिए बापडोला गांव के कुछ दृश्य। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।